सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। अब हम बात करते हैं टेलर के सबसे महत्वपूर्ण योगदान के विषय में और वो है मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन। वास्तव में जो मेंटल रिवॉल्यूशन है वो टेलर का पर्याय बन चुकी है। आखिर मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है? टेलर के अनुसार मेंटल रिवॉल्यूशन है कि श्रमिक और प्रबंधक के बीच में जिस लाभ को लेकर झगड़ा है उस झगड़े को समाप्त करने का तरीका है मेंटल रिवॉल्यूशन। चूंकि टेलर के समय में प्रबंधक श्रमिकों को संदेह की नज़र से देखते थे और उनका ये मानना था कि जो श्रमिक हैं वो कामचोर हैं, वो कम काम करते हैं और उन्हें हम ज़्यादा वेतन देते हैं, जबकि श्रमिक अधिक वेतन की मांग करते थे। तो दोनों के बीच में परस्पर संघर्ष था और संघर्ष सिर्फ इसलिए था कि प्रबंधक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहते थे और श्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा वेतन। जब टेलर ने समस्या को देखा तो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, वो था मेंटल रिवॉल्यूशन। वास्तव में मेंटल रिवॉल्यूशन है क्या? मेंटल रिवॉल्यूशन है दृष्टिकोण में परिवर्तन, सोचने के तरीके में परिवर्तन। उन्होंने कहा कि ये जो सोच है प्रबंधकों की कि श्रमिक काम चोरी करते हैं, इन्हें हम ज़्यादा वेतन देते हैं, इन्हें कम वेतन दिया जाना चाहिए, तो ये जो सोच में परिवर्तन है ये होगा मानसिक क्रांति या मेंटल रिवॉल्यूशन। तो दोनों को दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, केवल प्रबंधकों को ही नहीं श्रमिकों को, क्योंकि श्रमिक भी जो है वो संघर्ष के मूड में रहते थे हमेशा। इसलिए टेलर कहते हैं कि प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में परस्पर सहयोग, सौहार्द, प्रेम हो और कार्यों का उत्तरदायित्व का समान विभाजन भी हो। तो ये कैसे संभव होगा? ये मानसिक क्रांति के द्वारा संभव होगा। मेंटल रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू टेलर क्या है? वो कहते हैं कि उद्योग के दोनों ही पक्षकार, कौन? प्रबंधक और श्रमिक, वो लाभ से अपना ध्यान हटा लें और लाभ को उस सीमा तक बढ़ाएं कि उसके बंटवारे के लिए झगड़े की नौबत ही ना आए। ये है मेंटल रिवॉल्यूशन। और ये कैसे होगा? ये होगा कि साइंटिफिक तरीके से हम जो वर्कर है उसका चयन करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे और प्रत्येक कार्य के लिए विज्ञान का विकास करेंगे, बढ़िया इक्विपमेंट्स लगाएंगे, अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, बढ़िया मशीन लगाएंगे, ताकि प्रति इकाई उत्पादन जो है, पर यूनिट जो प्रोडक्शन है कॉस्ट, वो कम से कम आए। जब पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी कीमत कम होगी और जब कीमत कम होगी तो उत्पाद की मांग बढ़ेगी, क्योंकि जब वस्तु सस्ती हो जाएगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे और जब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो मांग बढ़ेगी और जब मांग बढ़ेगी तो फिर से उत्पादन बढ़ाना होगा, क्योंकि मांग बढ़ रही है, और जब उत्पादन बढ़ाना होगा तो ऑब्वियसली बात है अधिक उत्पादन होगा तो लाभ भी अधिक होगा, और जब लाभ अधिक होगा तो जो लाभ हुआ है उसके बंटवारे को लेकर कोई झगड़ा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि झगड़े का कारण है लाभ। प्रबंधक ज़्यादा लाभ चाहते हैं और श्रमिक ज़्यादा वेतन, चूँकि लाभ इस बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है जो कि प्रबंधकों को चाहिए, इसलिए वो भी खुश रहेंगे, और चूँकि लाभ काफ़ी मात्रा में बढ़ा है तो उसका कहीं ना कहीं जो इफ़ेक्ट है वो श्रमिकों के वेतन पर पड़ेगा, क्योंकि टेलर भी कहते हैं कि जो वेतन है वो इंसेंटिव के आधार पर, प्रेरणात्मक मजदूरी के आधार पर दिया जाए, तो इससे श्रमिकों को अधिक से अधिक, अच्छे से अच्छा वेतन मिलेगा। ये है मेंटल रिवॉल्यूशन। लेकिन ये संभव कैसे होगा? ये संभव होगा श्रमिकों के वैज्ञानिक तरीके से चयन, उनके प्रशिक्षण और जो प्रत्येक कार्य के लिए जो विज्ञान का विकास है उसको समीप लाकर, उसको परस्पर मिलाकर मेंटल रिवॉल्यूशन संभव होगा। तो दोस्तों, टेलर मेंटल रिवॉल्यूशन को लेकर कहते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसकी जो आत्मा है वो मेंटल रिवॉल्यूशन है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो सार है, जो उसकी सोल है, वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। बिना मानसिक क्रांति के वैज्ञानिक प्रबंध को धरातल पर नहीं उतारा जा सकता।
और टेलर के अनुसार किसी भी श्रमिक में, किसी भी जो वर्कर में 9 गुण होने चाहिए, जिसमें पहला है कि वो शिक्षित हो, वेल क्वालिफाइड हो। इसके अलावा उसे विशेष और तकनीकी ज्ञान भी हो। कोई हर वर्कर किसी ना किसी स्पेसिफिक फील्ड में उसकी नॉलेज हो, उसकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी हो। इसके अलावा वो जो उसका कार्य करने का जो तरीका है, जो हस्त कौशल है, वो परफेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो चौथा गुण है जो प्रत्येक वर्कर में होना चाहिए, वो है व्यवहार कौशल, यानी कि जो उसका बिहेवियर है वो बहुत अच्छा हो प्रत्येक व्यक्ति के साथ। इसके अलावा उसके अंदर ऊर्जा, एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, अपार उत्साह और ऊर्जा के साथ भरा हुआ हो। लेकिन इसके साथ साथ वर्कर के अंदर पेशेंस भी हो, धैर्य भी हो, और जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन किसी भी संगठन के लिए प्रत्येक वर्कर का ईमानदार होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेलर कहते हैं कि प्रत्येक वर्कर के अंदर ईमानदारी एक आवश्यक गुण के रूप में हो। इसके साथ साथ उसके अंदर विवेक भी, विवेक का अर्थ होता है उचित समय पर उचित निर्णय कैसे लिया जाएगा, उसका सही निर्णय जब मस्तिष्क करता है तो उसे हम कहते हैं विवेक शक्ति। तो टेलर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विवेक होना चाहिए, और ये सब के लिए ज़रूरी है कि श्रमिक का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो, वो स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता है। तो ये जो 9 गुण हैं ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, और जब इस तरह से ये 9 गुणों के साथ जब किसी भी व्यक्ति को चयन किया जाएगा और उसे अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रत्येक कार्य के लिए कार्य का विज्ञान का विकास किया जाएगा, तब निश्चित रूप से प्रत्येक संगठन दिनों दिन प्रगति करता चला जाएगा, और उसका लाभ न केवल उस कंपनी को, उस फर्म को, बल्कि उपभोक्ताओं को, समाज को और पूरे देश को होगा।